असलम स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल आज की एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है और यह आपके सामने भी आ गई है आज हम एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री सॉल्व करेंगे होपफुली आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी देखी तो अब तक तो देखना नहीं चाहिए लेनी चाहिए अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं और फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि मैं कुछ फार्मूलाई बताता हूँ इस एक्सरसाइज से पहले तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री फाइन द इंडिकेटेड टर्म एंड द सम ऑफ द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंगटिक सीक्वेंस एर्थमेटिक सीक्वेंस आपको दिया हुआ तो इसमें इंडिकेटेड टर्म ट्वेंटी टर्म्स ठीक है ना ट्वेंटी टर्म तक फाइंड करना है इसका सम और ट्वेंटी टर्म्स फाइंड करनी है अच्छा जी फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर वन है पार्ट वन नाइन सेवन फाइव थ्री डॉट डॉट ट्वेंटी टर्म ट्वेंटी इसी तरह का कोई क्वेश्चन है यस इट्स ट्वेंटी टर्म एंड ट्वेंटी टर्म्स आपने ट्वेंटी टर्म्स भी फाइंड करनी है अच्छा अब आपको पता है इसके सॉल्यूशन में आ जाएगा ए वन आपके पास नाइन है ए टू सेवन है डी आ जाएगा सेवन माइनस नाइन इज इक्वल टू माइनस टू अच्छा अब मैंने ए एन होता है इसका ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी ट्वेंटी टाइम फाइंड करनी है तो ए ट्वेंटी इज इक्वल टू ए वन है नाइन एन है ट्वेंटी माइनस वन और डी है माइनस टू तो यह आ जाएगा नाइन प्लस नाइनटीन इंटू माइनस टू दैट विल बी नाइन माइनस थर्टी एट एंड दैट विल बी माइनस ट्वेंटी नाइन अब आपने ट्वेंटी टर्म्स तक अगर एथमेटिक सीक्वेंस फाइंड है नहीं फाइंड करना है तो एस एन होता है इज इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन तो एस ट्वेंटी तो मैंने फाइंड करना है सो ट्वेंटी ओवर टू नाइन और एट प्लस ए ट्वेंटी तो ये हो जाएगा टेन इंटू नाइन माइनस ट्वेंटी नाइन तो ये हो जाएगा टेन इंटू माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू माइनस टू हंड्रेड ये आपका आंसर आ गया नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारा थ्री एट ओवर थ्री सेवन ओवर थ्री टू एलेवेंथ टर्म और अलेवन टर्म्स अच्छा सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम सेकंड पार्ट है हमारा थ्री एट ओवर थ्री इसके बाद था सेवन ओवर थ्री और टू सेवन ओवर थ्री टू ऑन एलेवें टर्म्स ठीक है ना एलेवेंथ टर्म तो आपने अलेवन्थ टर्म भी निकालनी है तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा अब जैसे आपको पता है अभी हमने पहले स्टार्ट किया कि इसमें ए वन थ्री है ए टू आपकी एट ओवर थ्री है तो डिफरेंस जो होता है वो होता है ए टू माइनस ए वन दया वी एट ओवर थ्री माइनस थ्री मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हो जाएगा एट ओवर थ्री माइनस नाइन ओवर थ्री इज इक्वल टू माइनस वन ओवर थ्री ये डी आ गया इसके बाद अच्छा ये डी हो गया अब आपको पता है ए एन होता है इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंट डी तो मैंने ए इलेवन निकालना है तो वो जगह फर्स्ट टाइम थ्री है एन एलेवन है और डी आपका माइनस वन ओवर थ्री है तो ये हो जाएगा थ्री प्लस टेन इंटू माइनस वन ओवर थ्री बी थ्री माइनस टेन ओवर थ्री तो इसका अगर आप एल्शियम ले लें तो ये आ जाता है थ्री थ्री नाइन नाइन माइनस टेन ओवर थ्री इक्वल टू माइनस वन ओवर थ्री अब इसका एस है। है। तो एन निकाल लेते हैं सम एस एन होता है ये ऊपर भी लिखा हुआ एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन तो ये आ जाएगा एस 11 तक निकालना है एलेवन ओवर टू ए वन हमारे पास थ्री है और प्लस ए इलेवन लिख दूँगा इधर ए इलेवन हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी विच इज़ माइनस वन ओवर थ्री तो एवन ओवर टू थ्री प्लस माइनस माइनस वन ओवर थ्री इसमें एलसीएम लेने आ जाएगा थ्री थी नाइन माइनस वन एट ये आ जाएगा अलेवन ओवर टू इन टू एट ओवर थ्री टू वन जो टू टू फोर जो एट इज इक्वल टू फोर्टी फोर ओवर थ्री तो एलेवन टाइम्स का सम फोर्टी फोर ओवर थ्री आता है ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू है सम ऑफ़ द कम्पोनेट्स ए वन ए एन एन डी एंड एस एन आर गिवन फाइंड द वंस दैट आर मिसिंग अच्छा ए वन डी दिया हुआ एन दिया हुआ है अच्छा अभी इसमें लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू में जो हमने ए एन ए वन एन डी एंड एस एन ये सारी चीज़ें आई थिंक सो यही है ए एन ए वन एन डी एंड एस एन आर गिवन फाइन दैट आर मीनसिंग द फर्स्ट पार्ट इज ए वन टू है एन सेवनटीन है ए वन टू है एन uh, सेवनटीन है, है और उसके बाद हमारे पास ए वन टू है एन सेवनटीन और डी थ्री है तो डी इज़ इक्ल टू थ्री अब हमारे पास ए वन भी है एन बी है और डी भी है ए एन एंड एस एन निकालना तो एन आ जाएगा इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो एन विल बी ए वन इज़ टू एंड एन इज़ सेवेंटीन एंड डी इज़ थ्री सो द एनथम विल बी टू प्लस सेवनटीन माइनस वन सिक्सटीन इंटू थ्री फोर्टी एट फोर्टी एट प्लस टू इक्वल फिफ्टी अच्छा इसमें यह है कि एन की जगह यहाँ पे हम सेवेंटीन पुट कर देते हैं क्योंकि एन है ही सेवनटीन तो एन यानी ए सेवेंटीन फिफ्टी है ठीक है अच्छा उसके बाद है जी एस एन एस सेवेंटीन इज़ इक्वल टू वो होता है सेवनटीन ओवर टू ए वन विच इज़ टू प्लस ए एन यानी ए सेवनटीन विच इज़ फिफ्टी तो ये आ जाएगा सेवनटीन ओवर टू इंटू फिफ्टी टू तो ये ट्वेंटी सिक्स आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका आंसर आता है फोर हंड्रेड फोर्टी टू सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट है हमारे पास ए वन इज इक्वल टू माइनस फोर्टी है और एस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू टू वन ए वन इज़ इक्वल टू माइनस फोर्टी है और एस ट्वेंटी वन इज़ इक्वल टू टू हंड्रेड टेन है अच्छा अब इसमें ये सॉल्यूशन था पिछले वाले का अच्छा इसमें हम इस तरह स्टार्ट करते हैं कि ए वन दिए और एस ट्वेंटी वन आपको पता है कि एस एन होता है एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन तो अब इसमें एन जो है वो ट्वेंटी वन है तो एस ट्वेंटी वन इक्वल टू ट्वेंटी वन ओवर टू ए वन है माइनस फोर्टी प्लस ए ट्वेंटी वन मेरे पास आ जाएगी यानी कि जो एन है एस ट्वेंटी वन मेरे पास टू हंड्रेड टेन है ट्वेंटी वन ओवर टू ए ट्वेंटी वन माइनस फोर्टी ये जो ट्वेंटी वन ओवर टू है वहाँ जाके आपको पता है वेन एवर यू टेक अ फ्रैक्शन फ्रॉम वन साइड टू द अदर होती डिवाइड है बट इजी वे ये इसका कि आप मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल से तो ये आ जाएगा ए ट्वेंटी वन माइनस फोर्टी ये टेन टू से ट्वेंटी ए ट्वेंटी वन माइनस फोर्टी सो ए ट्वेंटी वन विल भी वहाँ जाके फोर्टी एट हो जाएगा सिक्सटी तो ए ट्वेंटी वन भी आ गया एस ट्वेंटी वन भी आ गया अब अगर आपने डी निकालना है तो वो भी आ जाएगा अब इसमें आप एन uh, जो हमें ऑलरेडी पता था कि एन इज़ ट्वेंटी वन अगर आपने इसमें वो निकालना है डी तो दैट इज़ ईजी एन आपका होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी मैं ए ट्वेंटी वन यूज़ करूँगा विच आई हैव फाउंड ऑलरेडी ए वन मे पस माइनस फोर्टी है एन में पास ट्वेंटी वन है माइनस वन इंटू डी तो आज जाएगा सिक्सटी इज इक्वल टू माइनस फोर्टी प्लस ट्वेंटी डी ये माइनस फोर्टी वन जाके ऐड होके हंड्रेड हो जाएगा इज इक्ल टू ट्वेंटी डी सो डी इज इक्ल टू हंड्रेड ओवर ट्वेंटी सो डी इज इक्वल टू फाइव ये आपका आंसर आ गया नेक्स्ट देखते हैं थर्ड uh, पार्ट है अब थर्ड पार्ट इज ए वन माइनस सेवन है डी एट है और एस एन टू ट्वेंटी फाइव ए वन माइनस सेवन है ए वन इज़ माइनस सेवन थर्ड पार्ट इज ए वन इज़ माइनस सेवन डी इज़ एट एंड एस एन इज़ टू ट्वेंटी फाइव एस एन दिया हुआ एन की वैल्यू नहीं दी हुई अच्छा अब इसमें अच्छा इसमें एक एस एन का फार्मूला मैं यूज़ करूँगा वो है एन ओवर टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी ये वाला अब ये आ जाएगा एस एन की जगह मैं पुट कर दूंगा टू ट्वेंटी फाइव एन ओवर टू एज इट इज़ टू टाइम्स माइनस सेवन प्लस एन माइनस वन इन टू एट तो इसमें एन ही बचेगा तो ये टू को वहीं ले जाएँ ये हो जगह टू टू फाइव मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्ल टू एन माइनस फोर्टीन प्लस एट एन माइनस एट फाइव हंड्रेड फिफ्टी नहीं फोर हंड्रेड फिफ्टी ये आ जाएगा आपका 8n एन माइनस ट्वेंटी टू फोर फिफ्टी टू एट एन माइनस ट्वेंटी टू एन टू फोर फिफ्टी तो ये आता है एट एन माइनस ट्वेंटी टू एन और माइनस फोर हंड्रेड फिफ्टी इक्वल ज़ीरो इसकी तो कोई टू तो कॉमन लेने तो यह आता है फोर एन माइनस एलेवन एन माइनस 225 इक्वल ज़ीरो तो इसको आप मिड टर्म ब्रेक तो नहीं को खास बनेगी क्वाड्रेटिक लगा देते हैं तो एन इज़ इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ़ बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए क्योंकि एन में फाइंड कर रहे हूँ इसलिए मैंने एन लिखे लाजमी नहीं एक्स में ही लिखे ये आ जाएगा माइनस इलेवन प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस इलेवन का स्क्वेयर माइनस फोर इंटू फोर इंटू टू हंड्रेड ट्वेंटी माइनस टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव ये सी माइनस टू टू फाइव ओवर टू इंटू फोर यह आ जाएगा एलेवन प्लस माइनस एलेवन का स्क्वायर वन ट्वेंटी वन होता है फोर फोर जो सिक्सटीन है सिक्सटी इंटू टू ट्वेंटी फाइव कर लेते हैं अभी थर्टी सिक्स हंड्रेड आएगा पॉजिटिव के साथ होल डिवाइडेड बाय एट यह आ जाएगा एलेवन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ यह आ जाएगा थ्री सेवन टू वन ओवर एट इसको अगर हम कैलकुलेटर पे सिंपलीफाई करें तो इसका स्क्वायर रूट आता है सिक्सटी वन ओवर एट तो माइनस वाला तो इग्नोर करूँगा मैं अलेवन प्लस सिक्सटी वन ओवर एट इक्वल सेवनटी टू ओवर एट इक्वल नाइन सो एन इज़ इक्ल टू नाइन आ गया मेरे पास अब मैंने आगे फाइंड करना था Uh, यानी ये जो एस एन टू ट्वेंटी फाइव है दैट इज़ एक्चुअली एस एन एस नाइन है तो एस नाइन मेरे पास आ रहा है एस नाइन इज़ इक्ल टू टू ट्वेंटी फाइव आ रहा है तो ए नाइन मेरे पास आ जाएगा ए वन प्लस नाइन माइनस वन नाइन माइनस वन इंटू डी हमारे पास एट है तो यह जगह ए वन है हमारे पास माइनस सेवन प्लस नाइन माइनस वन एट 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 से सिक्सटी फोर तो फिफ्टी सेवन ये आंसर गए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं द फोर्थ पार्ट इज़ ए एन फोर और एस फिफ्टीन थर्टी है एन फोर है द फोर्थ पार्ट इज़ एन फोर है और एस फिफ्टीन एक थर्टी है तो एन तो हमारे पास आ गया कि एन हमारे पास फिफ्टीन है एन अगर फिफ्टीन है तो इसमें ए एन हमारे पास होता है ए वन नहीं है हमारे पास और डी बी नहीं है तो इसमें हम ये करने के बजाय एस एन वाला फार्मूला यूज़ कर लेते हैं विच इज़ मच बेटर हमें पता है एस एन इज़ इक्वल टू एन ओवर टू ए वन प्लस ए एन तो ये हो जाएगा एस फिफ्टीन इज इक्वल टू फिफ्टीन ओवर टू ए वन नहीं है ए एन फोर है यानी ए फिफ्टीन फोर है तो ये हो जाएगा थर्टी इज इक्वल टू इसको बल्कि लिख लेते हैं यह आ जाएगा ए फिफ्टीन ए एन ही रहने देते हैं बल्कि इसको यह आ जाएगा फिफ्टीन ओवर टू ए वन प्लस फोर यह आ जाएगा थर्टीन टू टू और फिफ्टीन इज इक्वल टू ए वन प्लस फोर तो यह आ जाएगा फिफ्टीन वन द फिफ्टीन फिफ्टीन टू द थर्टी फोर इज इक्वल टू ए वन प्लस फोर कट गया सो ए वन इक्ल ज़ीरो ए वन जीरो आ गया अब मैंने निकालना है डी तो वो निकल आएगा एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी तो ए फिफ्टीन अगर मैं यूज़ करता हूँ एन फिफ्टीन है तो ए वन मेरे पास ज़ीरो है ज़ीरो प्लस फिफ्टीन माइनस वन इंटू डी ए फिफ्टीन मेरे पास फोर है और ये आ गया जी फोटीन डी सो डी इज़ इक्वल टू फोर ओवर फोरटीन इज़ इक्वल टू टू ओवर सेवन तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर वन सारे पार्ट्स डन हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री है फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय फाइव फ्रॉम ट्वेंटी फाइव थ्रू थर्टी ट्वेंटी फाइव से थर्टी तक जितने भी नंबर्स डिविजिबल बाय फाइव हैं ट्वेंटी फाइव थर्टी सो ऑन टू थर्टी आई थिंक इट वाज टू थर्टी ट्वेंटी फाइव थ्रू थ्री फिफ्टी है डिविजल बाई फाइव थ्री डिविजिबल बाई फाइव है उनका सम अच्छा इसको अब मैम मैसेज करेंगे नंबर्स हमें पता है डिविजिबल पर फाइव एन ट्वेंटी फाइव है थर्टी है थर्टी फाइव है सो ऑन टू थ्री फिफ्टी है तो ए वन मेरे पास ट्वेंटी फाइव है डी तो मेरे पास फाइव है और जो फाइंड करने वाले ए एन मेरे पास थ्री फिफ्टी है नंबर ऑफ़ टर्म्स मैंने फाइंड करने कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर तो Uh, मैं फार्मूला यूज़ कर लूँगा एन इज़ इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए एन थ्री फिफ्टी है ए वन ट्वेंटी फाइव है एन माइनस वन इंटू डिफरेंस फाइव है क्योंकि एक हर एक में फाइव आ रहा है तो ये थ्री ट्वेंटी फाइव हो जाएगा यहाँ के माइनस हो जाएगा ये आ जाएगा एन माइनस वन इंटू फाइव ये फाइव वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा एन माइनस वन ये आ जाता है फाइव सिक्स थर्टी फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव इक्वल एन माइनस वन तो एन इज़ इक्वल टू सिक्सटी सिक्स आ गया तो नंबर ऑफ टाइम सिक्सटी सिक्स हैं अब मैंने एस ऑफ सिक्सटी सिक्स फाइंड करना है वो होता है सिक्सटी सिक्स ओवर टू ए वन है ट्वेंटी फाइव प्लस ए एन है थ्री फिफ्टी तो तो ये आ जाएगा एस सिक्सटी सिक्स इज ईक्ल टू थर्टी थ्री इन टू थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जो इसका आंसर आएगा वो ट्वेल्व थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव आंसर आता है हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन समी नंबर थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स देम दिन सपोज द नंबर अच्छा उसने खुद ही नंबर दे दिया है ए माइनस डी ए और ए प्लस डी ना भी दिया होता तो हम कर देते हैं अच्छा जी क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर सोल्यूशन है इसका नंबर्स आर ए माइनस डी ए और ए प्लस डी एथमेटिक्स सिक्वेंस में एक्चुअली अगर फर्स्ट नंबर ये है तो नेक्स्ट नंबर बाई एडिंग द कॉमन डिफरेंस होता है और प्रीवियस नंबर बाई सपट्रैक्टिंग द कॉमन डिफरेंस होता है तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि उसका जो सम है द सम ऑफ थ्री नंबर इज़ थर्टी सिक्स सो ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी इज़ इक्ल टू थर्टी सिक्स तो ये हो जाएगा आपका Uh, 3a is equal to 36, so a is equal to 36 over 3, so a is equal to 12. ये तो बहुत सिंपल रही First condition तो ईजी होगी Next है इसमें हमारे पास second वो ये कह रहा है कि uh, and the sum of their cubes is 6336. तो इनके cubes का सम तो ये हो जाएगा a minus d का so cube प्लस सम ऑफ थ्रिक्यूब ए क्यूब प्लस ए प्लस डी का क्यूब इज इक्वल टू सिक्स थ्री सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स यस अच्छा अब ए माइनस डी का और क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वेयर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्र ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी होता है तो वो माइनस थ्री ए स्क्र बी हो जाएगा और प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर हो जाएगा प्लस ए क्यूब हो गया प्लस ये आ जाएगा ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्र बी प्लस थ्री ए बी स्क्र जीरो टू सिक्स थ्री थ्री सिक्स अब ए क्यूब ए क्यूब और ए क्यूब माइनस डी क्यूब प्लस डी क्यूब कट गया माइनस थ्री ए स्क्वेयर डी प्लस थ्री ए स्क्वेयर डी कट गया ये आ गया ए क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस ए क्यूब ये आ गया थ्री ए क्यूब प्लस थ्री एंड थ्री सिक्स ए डी स्क्वेयर इक्वल टू सिक्स थ्री थ्री सिक्स अगर मैं थ्री कॉमन लूँ ही हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए डी स्क्वेयर टू ए डी स्क्वेयर जीको टू सिक्स थ्री थ्री सिक्स अब ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस टू ए डी स्क्वेयर इज इक्व टू थ्री टू जर सिक्स थ्री वन जर थ्री थ्री वन जी टू जोर सिक्स डिवाइड कर दिए इसमें ए की वैल्यू पुट कर देते हैं ए की वैल्यू है ट्वेल्व तो ट्वेल्व का क्यूब प्लस टू इंटू ट्वेल्व डी स्क्र इज इक्वल टू टू थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेल्व टू थाउजेंड वन हंड्रेड का क्यूब होता है वन थाउजेंड हंड्रेड ट्वेंटी एट ये आपका आ गया ट्वेंटी फोर डी स्क्वेयर अच्छा ये वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2112 वन हंड्रेड माइनस वन थाउजेंड हंड्रेड ट्वेंटी एट ये आ जाएगा आपका आई mm, थिंक ये आएगा तकरीबन आपका टू वन वन टू माइनस वन सेवन टू एट इक्वल थ्री एटी फोर और डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फोर इधर ही कर लेता तो, हूँ सिक्सटीन आ रहा है तो ये थ्री एटी फोर था नेक्स्ट स्टेप में जब ये इससे डिवाइड होगा तो ये सिक्सटीन आ रहा है स्क्वेयर रूट ले लें तो ये आपका आंसर आता है प्लस माइनस फोर अब जब आपका ए ट्वेल्व और डी वन is ट्व एंड डी इज़ पॉजिटिव फोर तो नंबर्स आपके थे फर्स्ट uh, नंबर था ए माइनस डी ट्वेल्व माइनस फोर इक्वल एट जो आपका सेकंड था वो ए था इज इक्वल टू ट्वेल्व और जो आपका थर्ड था वो नंबर आपका आना था ए प्लस डी इज इक्वल टू ट्वेल्व प्लस फोर इज इक्वल टू सिक्सटीन और जब आपका वन एज बट डी इज माइनस फोर तो आपका जो फर्स्ट है वो आना था ए माइनस डी इज ईक्ल टू ट्व माइनस माइनस फोर इज़ इक्वल टू सिक्सटीन जो आपका सेकंड नंबर बनना था वो तो ट्वेल्व ही रहना था और जो आपका थर्ड था वो ए प्लस डी इज इक्ल टू ट्वेल्व प्लस माइनस फोर इज ईक्ल टू एट तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर फोर डन हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फाइव के बाद फाइंड फोर नंबर्स इन सीक्वेंस नंबर सम इज समी एंड सम ऑफ स्क्वेयर्स इज वन ट्वेंटी ए माइनस थ्री डी लेना है ए माइनस डी लेना है ए प्लस डी लेना है और ए प्लस थ्री डी लेना है ये आपने नंबर लेने हैं उनका सम ट्वेंटी होगा और उनका स्क्वेयर जो है वो ये बनेगा इसी तरह के क्वेश्चन ये बनेगा ये भी तो क्वेश्चन नंबर फाइव है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में नंबर्स हैं ए माइनस उसके बाद ए 3d के बाद आता है हमारा ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी आर द नंबर अच्छा अब इसका सम ट्वेंटी है ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस थ्री डी इक्वल्स ट्वेंटी ये आ गया सम ये आ जाता है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हमारा फोर ए आ जाएगा और माइनस थ्री डी प्लस थ्री डी माइनस डी प्लस डी तो इक्वल्स ट्वेंटी सो ए इज़ इक्वल टू फाइव एक तो ये कंडीशन हो गई सेकेंड कंडीशन में ये कह रहा है कि द सम ऑफ देयर स्क्वेयरस वो आता है जी जी ये देखें लिखा हुआ है कि इन द सम ऑफ हु इनके सम का स्क्वायर जो है वो तो इनके सम का स्क्वायर यानी ये हो जाएगी नेक्स्ट कंडीशन ए माइनस थ्री डी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस थ्री डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये जितने भी स्क्वायर्स हैं इसका सम कितना 120 है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी माइनस टू ए बी उसके बाद ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वे माइनस टू ए बी फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वे प्लस टू ए बी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वे ये हो जाएगा प्लस नाइन डी स्क्र प्लस सिक्स ए डी इज एक टू वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी अच्छा अब ए स्क्वेयर ए स्क्र ए स्क्र ए स्क्र ये तो हो गए फोर ए स्क्वेयर उसके बाद डी स्क्र में नाइन डी स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस नाइन डी तो नाइन प्लस नाइन एटीन और प्लस वन एंड वन ट्वेंटी ट्वेंटी डी स्क्वेयर है मेरे पास उसके बाद माइनस सिक्स ए डी है माइनस टू ए डी है ये मैंने बी लिख दिया ये डी था टू ए बी बोल रहा था तो बी लिख दिया एक्चुअली डी ए है और माइनस सिक्स ए डी माइनस टू ए डी ये तो कट गए ये दो और माइनस सिक्स ए डी और सिक्स ए डी भी कट गया ठीक है।, है तो फोर ए स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी डी स्क्र इक्वल्स वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी आ रहा है अब इधर फोर कॉमन ले सकते हैं पीछे बचेगा ए स्क्वेयर प्लस फाइव डी स्क्वेयर इक्ल्स वन ट्वेंटी तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस फाइव डी स्क्र इज इक्वल टू थर्टी फोर से डिवाइड होके ए की वैल्यू पुट कर देते हैं फाइव का स्क्वेयर प्लस फाइव डी स्क्र इज एक टू थर्टी ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव डी स्क्र एक थर्टी तो फाइव डी स्क्र इज ईक्ल टू 5, सो so, d square is equal to 1, सो so, d is equal to प्लस माइनस 1. अब ये इसमें हमारे पास कंडीशन ये आ रही है सिंपल कंडीशन है कि अगर d, यानी yani a is 5 एंड d इज़ 1, तो पहला नंबर a minus 3d, तो ये हो जाएगा minus 3. दूसरा नंबर बनता है ए माइनस डी यानी फाइव माइनस वन फिर बनता है फाइव प्लस वन फिर बनता है फाइव प्लस थ्री तो नंबर्स बनते हैं टू फोर सिक्स एट और जब हमारे पास ए फाइव और डी माइनस वन है तो फिर बनता है ए एफ फाइव माइनस माइनस प्लस थ्री फिर ए माइनस डी यानी फाइव प्लस वन फिर ए प्लस डी यानी फाइव माइनस वन फिर ए प्लस थ्री डी यानी फाइव माइनस थ्री एट सिक्स फोर टू दैट्स योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फाइव मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स एक्स एक्स वन, प्रोग्रेशन इफ़ uh, x1 वन प्स एक्स सेवन प्लस एक्स टेन इज जीको टू माइनस सिक्स एंड एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स ट्वेल्व टू माइनस एलेवन फाइंड प्लस अच्छा पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है x1, x2, x3 are in AP आर इन प्रोग्रेशन में ठीक है नेक्स्ट कंडीशन पे हमारे पास मिल रही है कि x1 वन प्लस एक्स प्लस एक्स वन प्लस एक्स सेवन प्लस एक्स टेन इज़ इक्वल टू माइनस सिक्स है नेक्स्ट कंडीशन क्या आ रही है मज़ीद एक्स थ्री प्लस एक्स एट प्लस एक्स ट्वेल्व एक्स थ्री प्लस एक्स एट प्लस एक्स ट्वेल्व इज इक्वल टू वो आ जाएगा मेरे पास माइनस इलेवन ये माइनस इलेवन हो गया ठीक है अच्छा अब फाइंड एक्स थ्री प्लस एक्स एट प्लस एक्स ट्वेंटी टू फाइंड करना है एक्स थ्री प्लस एक्स एट प्लस एक्स ट्वेंटी टू जी ये तो क्वेश्चन हो गया इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या सिंपल ही होगा सोल्यूशन भी अच्छा एज़ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आर इन ए पी एर्थमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि एक्स वन प्लस एक्स सेवन प्लस एक्स टेन इज एक टू माइनस सिक्स को एक्स वन एक्स सेवन होता है एक्स वन प्लस सिक्स डी ये आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मुताबिक और एक्स टेन वाली होती है एक्स वन प्लस नाइन डी इज टू माइनस सिक्स इससे क्या हो जाएगा थ्री एक्स वन प्लस फिफ्टीन डी इज़ इक्वल टू माइनस सिक्स हो जाएगा एक्स वन प्लस फाइव डी अगर मैं थ्री कॉमन लूँगा माइनस सिक्स ये वहाँ जा कर डिवाइड हो जाएगा और ये इसका ये माइनस टू बन जाता है इसी तरह जो नेक्स्ट वाली कंडीशन है एक्स थ्री प्लस एक्स एट प्लस एक्स ट्वेल्व टू माइनस इलेवन है तो इसमें मैं करूँगा एक्स थ्री है एक्स वन प्लस टू डी एक्स एट है एक्स वन प्लस सेवन डी और एक्स ट्वेल्व है एक्स वन प्लस इलेवन डी टू माइनस इलेवन ये भी आपका हो जाएगा थ्री एक्स वन और सेवन प्लस टू नाइन प्लस इलेवन प्लस ट्वेंटी डी टू माइनस इलेवन तो Uh, इसको इक्वेशन ए कह देते हैं इसको इक्वेशन बी कह देते हैं साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेते हैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये हो जाएगा वैसे तो ज़रूरत नहीं थी ऊपर हुआ हुआ था थ्री एक्स वन प्लस फिफ्टीन डी इज़ इक्ल टू माइनस सिक्स वही दोबारा ले लेते हैं बल्कि इसकी बजाय ना ये वाली इक्वेशन की बजाय बेटर इसको ए कह दे ठीक है ना तो ए माइनस बी ले लेते हैं हम ये ज़्यादा ईजी है थ्री एक्स वन प्लस ट्वेंटी डी इज इक्वल टू माइनस इलेवन ठीक है इसको माइनस करेंगे सबके साइंस चेंज ये कट गया ये आ जाएगा माइनस फाइव डी इज इक्वल टू फाइव सो डी इज इक्वल टू माइनस वन तो डी माइनस वन आ गया हमारे पास अच्छा अब डी माइनस वन है तो इसको हम डी माइनस वन है तो इसको, इसको इसी में पुट कर लेते हैं ये इक्वेशन ए में इन इक्वेशन ए इससे हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स वन प्लस फिफ्टीन इंटू माइनस वन इज़ एक टू माइनस सिक्स थ्री एक्स वन इज़ इक्ल टू माइनस सिक्स प्लस फिफ्टीन थ्री एक्स वन इज़ एकल टू नाइन एक्स वन इज़ एक टू थ्री अब एक्स वन थ्री आ गया अब मैंने फाइंड करना था एक्स थ्री मुझे पता है एक्स थ्री और क्या क्या फाइंड करना है एक्स थ्री प्लस एक्स एट प्लस एक्स ट्वेंटी टू अच्छा जी एक्स थ्री होता है एक्स वन प्लस टू डी एक्स वन है थ्री और डी है माइनस वन तो ये वन आ रहा है और क्या फाइंड करना है एक्स थ्री प्लस एक्स एट प्लस एक्स ट्वेंटी टू एक्स एट आएगा एक्स वन प्लस सेवन डी एक्स वन थ्री है और डी माइनस वन है माइनस फोर एक्स ट्वेंटी टू हमारे पास आ जाएगा एक्स वन प्लस ट्वेंटी वन डी थ्री प्लस ट्वेंटी वन इंटू माइनस वन यह जगह थ्री माइनस ट्वेंटी वन होता है माइनस एटीन अब इन सब का प्लस ले लेते हैं तो एक्स थ्री प्लस एक्स एट प्लस एक्स ट्वेंटी टू इज इक्वल टू वन माइनस फोर माइनस एटीन तो दैट विल बी वन माइनस ट्वेंटी टू इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी वन दैट्स योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इधर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड दिस वन प्लस थ्री माइनस फाइव प्लस सेवन प्लस नाइन माइनस अलेवन एक दफ़ा एड हो रहा है एक दफ़ा जब प्रैक्ट है और नंबर्स का सीक्वेंस है अप अपू थ्री एंड टर्म्स क्वेश्चन नंबर सेवन है लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर सेवन है वन थ्री फाइव सेवन नाइन अलेवन थर्टीन फिफ्टीन एक दफ़ा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस uh, कहाँ तक इसने लिखा हुआ है सेवनटीन है तो माइनस सेवेंटीन प्लस सोन टू थ्री एन टर्म्स तक फाइंड करना है आपने इसका आंसर अच्छा इसको थ्री एन टर्म्स तक करना है इसको स्प्लिट कर लेते हैं वन आ, प्लस सेवन प्लस थर्टीन इसमें उसके बाद प्लस वाला थ्री और आ, प्लस क्वेश्चन टैली एक दफ़ा कर लेते हैं क्वेश्चन में था वन प्लस थ्री माइनस फाइव प्लस सेवन माइनस प्लस सेवन प्लस नाइन है माइनस इलेवन प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन है अच्छा ये प्लस नाइन है ये वाला प्लस है नाइन प्लस है फिर साथ में ये इलेवन भी प्लस है माइनस इलेवन प्लस थर्टीन अच्छा अच्छा इस तरह है. ये माइनस इलेवन प्लस थर्टीन है प्लस फिफ्टीन है फिर उसके बाद माइनस इलेवन प्लस थर्टीन प्लस फिफ्टीन माइनस सेवेंटीन और प्लस है तो प्लस वाले आपके जो बनते हैं वन सेवन थर्टीन है इसी तरह थ्री और इसके बाद आएगा आपका नेक्स्ट जो आता है अच्छा ये जो पहला आया था वन प्लस सेवन प्लस थर्टीन प्लस वन एक तो ये सीरीज़ बन रही है उसके बाद थ्री नाइन और फिफ्टीन के साथ एक सीरीज़ बन रही है प्लस की माइनस कॉमन अगर मैं ले लूँ तो फिर बन रही है फाइव एलेवन और सेवनटीन की बन रही है तो ये तीन सीरीज़ तकरीबन बन है इसको क्वेश्चन ये कह देते हैं अच्छा अब हर जो सीरीज़ हो अर्थमेटिक सीरीज़ है उनका मैं हम सम फाइंड कर सकते हैं तो अगर मैं इसको कह देता हूँ एस ए ये एस बी और ये एस सी हो जाएगा तो एस ए को मैं अगर लेता हूँ तो वो आर ये सीरीज़ वन प्लस सेवन प्लस थर्टीन प्लस सोन। इसमें ए आपका वन है और डी आपका सेवन माइनस वन इज़ इक्वल टू सिक्स है तो जो एस एन होता है वो होता है एन ओवर टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी इसमें वैली स्पोर्ट कर लेते हैं एन ओवर टू एज इट इज़ आएगा ए वन आपका वन है एन एज इट इज आएगा डी आपका सिक्स है तो ये आ जाता है एन ओवर टू टू प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स इक्वल्स एन ओवर टू सिक्स एन और माइनस फोर तो अगर मैं इसमें से टू कॉमन ले लूं, तो थ्री एन माइनस टू आ जाता है कट गया तो फाइनल आता है एन इन थ्री एन माइनस टू ये तो फर्स्ट वाले से हो गया अब सेकंड पे चलते हैं सेकंड हमारे पास आ रही थी क्या थी एस बी सेकेंड जो है वो एस बी है विच इज़ थ्री प्लस नाइन प्लस फिफ्टीन प्लस वन तो इसमें ए आपका थ्री है डी आपका सिक्स है तो ये आ जाएगा एस एन इज़ इक्वल टू एन ओवर टू टू ए वन plus n minus 1 into d equals n over 2 2 into three n minus 1 into 6 jata hai. n over 2 6 plus 6 n minus 6 so to six gaya. Bach gaya. 6 n square over two that is three n square अब एस सी ले लेते हैं इसके बाद एस सी हमारे पास आ रही थी फाइफ एलेवन सेवेंटीन फाइफ इलेवन सेवेंटीन ए फाइफ है डी एलेवन माइनस फाइव जीको टू सिक्स है तो इसका एस एन आएगा एन ओवर टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंट डी यह जाता है एन ओवर टू टू इंटू फाइव प्लस एन माइनस वन इंटू सिक्स इक्वल्स एन ओवर टू टेन प्लस सिक्स एन माइनस सिक्स ये आपका आ जाएगा फोर टेन माइनस फोर प्लस सिक्स एन तो अगर इसमें से मैं टू कॉमन लूँ यह आ जाता है थ्री एन प्लस टू तो यह आता है एन इन टू थ्री एन प्लस टू ना अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको पता है कि जो टर्म्स हमारी बनी थी एस ए प्लस एस बी माइनस एस सी बनी थी तो मैं लिखूँगा एस ए प्लस एस बी माइनस एस सी आप टू थ्री एन टर्म्स हैं थ्री टाइम्स एड हो रहा है एस ए की वैल्यू हमारी आई थी Uh, n इंटू थ्री एन माइनस 2 एन इंटू थ्री एन माइनस टू की वैल्यू में पास 3n स्क्वायर आई है और इसकी s c की वैल्यू 3n एन प्लस आई है इसको so, सिंपलीफाई करते हैं ये हो जाएगा थ्री एन स्क्र माइनस टू प्लस थ्री एन स्क्वेयर माइनस थ्री तो सिंप्लीफाई करते हैं ये तो कट गया तो पीछे बचा थ्री एन स्क्र माइनस फोर एन अगर मैं एन कॉमन लू तो पीछे बचता है थ्री एन माइनस फोर तो ये जो एस एन आया ये आपका आंसर है अप टू थ्री एन डेट इज आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर शो दैट द द सम ऑफ फर्स्ट एन पॉजिटिव फर्स्ट पॉजिटिव फर्स्टिव ऑर्ड इन टीचर्स अच्छा आपको पता कि पहले जो पॉजिटिव ऑर्ड इन टीचर्स है वो आपके पॉजिटिव ऑर्ड इन टीचर्स ये आप कह रहे हैं वन थ्री फाइव सेवन नाइन सॉन ठीक है तो अब आपने उसका सम फाइंड करना है एस एन अच्छा अब उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें फर्स्ट टर्म वन है कॉमन डिफरेंस जो है वो सेवन माइनस फाइव इक्वल टू टू है एनी टू कन्जेक्टिव टर्म्स को सब्ट्रैक करके आप निकाल सकते हैं तो एस एन जो है वो हमारे पास है एन ओवर टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो ये आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू एन ओवर टू टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू तो ये आपका आ जाएगा एन ओवर टू टू प्लस टू एन माइनस टू टू से टू गया तो एन ओवर टू इंटू टू एन टू से टू गया इज इक्वल टू एन स्क्वेर तो क्वेश्चन यही था कि फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स का एड अप टू एन स्क्वेयर तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डन हो गया ये आंसर आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन है फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ नाइन बिटवीन थ्री हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड अच्छा थ्री हंड्रेड और सेवन हंड्रेड के बीच में सम निकाल लेते हैं सम ये देखने में तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बिटवीन थ्री हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड ऑफ मल्टीपल्स ऑफ नाइन अच्छा अब इसमें एक जो टैक्टिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो ये है कि आ, सबसे पहले तो थ्री हंड्रेड और सेवन हंड्रेड मल्टीपल्स ऑफ नाइन है तो नाइन की टेबल में नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन और नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन तो ये थ्री हंड्रेड सिक्स से होगा तो मल्टीपल्स ऑफ नाइन बिटवीन थ्री हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड लिखने पड़ेंगे हमें पहले वो आपका आ जाता है थ्री ज़ीरो सिक्स और उसके बाद थ्री फिफ्टीन उसके बाद थ्री ट्वेंटी फोर सौ ऑन टू सेवन हंड्रेड तो नहीं आता नाइन के टेपल में वैसे बिटवीन है तो ये आता है तकरीबन uh, हाँ ये आता है तकरीबन आपका आएगा थ्री uh, नाइन्टी थ्री नाइन्टी सिक्स नाइन्टी थ्री आएगा आपका बिटवीन थ्री हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड के अच्छा अब इसमें हमारे पास ए वन जो है वो थ्री जीरो सिक्स है कॉमन डिफरेंस जो है वो थ्री फिफ्टीन माइनस थ्री जीरो सिक्स है ये आ जाएगा हमारे पास नाइन अच्छा अब हमने देखना कितनी टर्म्स आ रही हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट वो एन से निकल सकती है एन आता हो हमारे पास होता है ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्योंकि जो सीक्वेंस है मैथमेटिक सीक्वेंस है कॉमन डिफरेंस नाइन है ए वन है थ्री हंड्रेड सिक्स एन माइनस वन इंटू नाइन तो थ्री हंड्रेड सिक्स प्लस नाइन एन माइनस नाइन इज इक्वल टू अच्छा अब ये जो ए एन है जो एंथ टर्म है वो ये बीच में हम मैंशन कर लेते हैं वो सिक्स नाइन्टी थ्री थी सिक्स नाइन्टी थ्री इज इक्वल टू नाइन एन और सेवन नाइन और टू ये आ जाता है तो नाइन एन इज़ इक्वल टू सिक्स नाइन्टी थ्री माइनस टू नाइन्टी सेवन तो नाइन एन हमारे पास आ जाएगी सिक्स नाइन थ्री एन आ जाएगा थ्री नाइन्टी सिक्स ओवर नाइन थर्टी सिक्स फोर एन हमारे पास आ गया फोर्टी फोर टोटल दे रहा फोर्टी फोर टाइम्स वो कह रहा है सम फाइंड करना है तो एस एन हो जाएगा इज़ इक्वल टू एन ओवर टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी तो ये हो जाएगा एस फोर्टी फोर इज इक्वल टू फोर्टी फोर ओवर टू ए वन था थ्री हंड्रेड सिक्स एस प्लस डिफ्रेंस नाइन आएंगे और फोर्टी थ्री नाइन जरूर होता है थ्री एटी सेवन ट्वेंटी टू नाइन 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 मल्टीप्लाई बाई ट्वेंटी टू टू वन नाइन सेवन एट तो ये आपका आंसर आ गया To one nine seven eight moving on to the next question next question have question number 10 the sum of rupees 1000 is distributed among four people so that each person after the first receives rupees twenty less than the preceding person how much does each person receive' a a question b yeah a question number 10 am i passed a amount hai, total to sum hai. अमाउंट और सम जो है वो वन थाउजेंड है और फोर पर्सन और ईच रिसीव्स ट्वेंटी लेस देन अदर अच्छा इसका ये आ जाएगा एन एजीक्यूटि फोर है एस ऑफ फोर सम है वो वन थाउजेंड है डिस्ट्रीब्यूटर है लेट the first person gets the first person gets money is come be getdum theek hai to ye ho jayega first person be the to second person jo hai ट्वेंटी लेस है बी माइनस ट्वेंटी इसी तरह नेक्स्ट जो है वो बी माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी इक्वल टू बी माइनस फोर्टी और जो नेक्स्ट है वो बी माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी या इन अदर वर्ड्स बी माइनस फोर्टी माइनस ट्वेंटी कर रहे हैं आप सिंपली की बात है वो आ जाएगा बी माइनस सिक्सटी तो ये हो गया फर्स्ट का सेकेंड का थर्ड का और फोर्थ का अच्छा तो सिक्वेंस क्या बन रहा है बी बी माइनस ट्वेंटी बी माइनस फोर्टी और बी माइनस सिक्सटी अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो इसमें ए वन जो फर्स्ट टर्म है वो बी है अपनी और और दूसरा इसमें डिफरेंस जो है वो सेकेंड टर्म यानी बी माइनस ट्वेंटी माइनस बी है ये कट गया इक्वल माइनस ट्वेंटी है हर दफ़ा माइनस ट्वेंटी एड हो रहा है क्योंकि तो ट्वेंटी कम होता जा रहा है अच्छा अब हमें पता है कि एस एन का फार्मूला होता है एक एस एन होता है एन ओवर टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी एस फोर आ जाएगा मेरे पास एन है फोर ओवर टू टू ए वन है बी एन है मेरे पास फोर माइनस वन और डी है माइनस ट्वेंटी तो एस फोर मेरे पास है वन थाउजेंड टोटल सम थाउजेंड है जो रहा है टू इंटू टू बी प्लस माइनस तो माइनस ही आएगा यह आ जाएगा माइनस सिक्सटी ये हो जाएगा टू बी माइनस सिक्सटी इज इको टू ये वन थाउजेंड टू वन जाके डिवाइड हो गया टू बी माइनस सिक्सटी इज ईको टू फाइव हंड्रेड टू बीज इक्वल टू फाइव सिक्सटी बी इक्वल टू फाइव सिक्सटी ओवर टू इक्वल्स टू हंड्रेड एंड एटी तो जो फर्स्ट पर्सन था ही रिसीव्स टू एटी जो सेकेंड था वो टू सिक्सटी ट्वेंटी लेस थर्ड टू फोर्टी और फोर्थ टू ट्वेंटी एंड इफ यू एड अब एटी प्लस सिक्सटी प्लस फोर्टी प्लस ट्वेंटी विल गिव यू टोटल वन थाउजेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एलेवन है हमारे पास डिस्टेंस Which an object dropped from a cliff will fall 16 feet the first second, 48 feet the next second, 80 feet the third, and so on. What is the total distance the object will fall in six seconds? So, it be a sequence. Manra question 11: 16 feet first second, 48 affinity information. Question uh, 11: First second. क्सटीन फीट सेकेंड है फोर्टी एट थर्ड एटी है सोन तो इसका सोलूशन आ जाएगा अच्छा अब ये थर्ड के बाद सोन था तो इसमें सीरीज़ ये बनती है कि पहला सिक्सटीन है देन इट इज़ फोर्टी एट फिर उसके बाद एटी है तो अगर मैं ए वन सिक्सटीन है हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज़ फोटी एट माइनस सिक्सटीन इज़ इक्ल टू टू है और फोटी एट प्लस थर्टी टू एटी है तो इससे नेक्स्ट जो होगा वो वन हंड्रेड ट्वेल्व होगा फिर थर्टी टू करेंगे तो वन हंड्रेड फोर होगा और जो लास्ट वाला है वो वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स होगा तो ए वन ये है ए एन विच इज़ इक्वल टू ए सिक्स वो वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स है तो अब इसमें फर्स्ट जो सिक्स सेकेंड्स का वो निकालना है तो एस एन का फार्मूला था इज इक्वल टू एन ओवर टू टू ए वन प्लस एन एस डी तो ये हो जाएगा एस सिक्स इज इक्वल टू सिक्स ओवर टू टू टाइम्स सिक्सटीन प्लस सिक्स माइनस वन Principle three into thirty two plus five times thirty two is one sixty so three times one ninety two that will be five hundred and seventy six feet. That is your answer five hundred and seventy six feet. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हमारे पास अफजल खान से रुपीज़ वन द फर्स्ट डे रुपीज़ टू द सेकेंड रुपीज़ थ्री थर्ड एंड रुपीज़ एंड ऑन द एन्थ डे ऑफ द थर्टी डेज टोटल डेज आर थर्टी हाउ डज़ ही सेव एट द एंड ऑफ द थर्टी डे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है क्वेश्चन डेटा लिख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है मिस्टर अफजल ख़ान है ये सेव करते हैं जी रुपीज़ वन द नेक्स्ट डे वन मोर रुपीज़ टू ठीक है ना तो रुपीज़ थ्री एंड सो ऑन टिल द एन्थ डे विच इज़ थर्ड तो इसमें जो आपका सीक्वेंस है वो सिंपल ये है कि फर्स्ट डे वन है नेक्स्ट डे वन मोर यानी टू थर्ड डे थ्री फोर्थ डे फोर फिफ्थ डे फिफ्थ सोन अर्थमेटिक सीक्वेंस है ठीक है अप टू थर्टी तक जा रहे हैं तो इसमें हमारे पास ए वन जो है वो वन है कॉमन डिफरेंस टू माइनस वन इज इक्ल टू वन है ठीक है एन इज़ इक्ल टू थर्टी है क्योंकि वो सह के वी हैव टू फाइन द टोटल ऑफ द थर्टी एथ डे तो आपको पता है एस एन इज़ इक्वल टू फार्मूला होता है एन ओवर टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये सिंपल फार्मूला आ गया तो इसमें एस थर्टी थर्टी डेज का सामने करना है थर्टी ओवर टू टू टाइम्स वन थर्टी माइनस वन इंटू वन तो ये हो जाएगा फिफ्टीन

क्वेश्चन नंबर थर्टीन है अ थिएटर हैज़ फोर्टी रोज विनी सीट्स इन द फर्स्ट रो ट्वेंटी थ्री इन द सेकेंड रो ट्वेंटी इन थर्ड एंड सो फोर्थ हाउ मेनी सीट्स आर देर तो फोर्टी रोज हैं ठीक है हमारे हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन द थिएटर फोर्टी रोज हैं और ट्वेंटी सीट्स फर्स्ट रोज हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन लिख देते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन में हमारे पास जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो फर्स्ट रो में ट्वेंटी so है है देन टी फिर ट्वेंटी सिक्स है तो टोटल फोर्टी रोज हैं हमारे पास ठीक है ना तो दैट्स एन एर्थमेटिक सीक्वेंस ऑफ ट्वेंटी पहले में फिर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी नाइन एंड सो ऑन एंड सो ए वन जो है हमारे पास वो ट्वेंटी है और जो कामन डिफेंस है वो थ्री है इसका कोई भी एनी लू कंजेक्टिव टर्म्स का आप सब ट्रैक कर रहे हैं तो वो थ्री आ रहा है और फोर्टी टोटल रोज हैं तो एन हमारे पास फोर्टी है इसमें ठीक है एन इज़ इक्वल टू फोर्टी है मैंने फाइन करना है एस फोर्टी या फॉर्मूला वगैरह लिख देते हैं एस एन इज़ इक्वल टू एन ओवर टू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू ये हमारे पास फार्मूला है ठीक है तो ये हो जाएगा एस फोर्टी इक्वल्स फोर्टी ओवर टू टू टाइम्स ट्वेंटी प्लस फोर्टी माइनस वन इंटू डिफ्रेंस एज थ्री तो ये आ जाता है ट्वेंटी और टू ट्वेंटीज ऑफ फोर्टी प्लस थर्टी नाइन थ्री जो होता है वन सेवेंटीन

उसमें इजर्ट इनफ अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन वन एंड फिफ्टी सो दैट द सम ऑफ द रिजल्टिंग सीरीज विल बी फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन अच्छा ये भी इजी है इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है स्टेटमेंट वाइज तो शायद आपको लग रहा हो कि बहुत मुश्किल है ये क्वेश्चन नंबर फोटीन में हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि हमने अर्थमेटिक uh, मीन्जर्ट करने हैं जो कि इनफ हों बिटवीन वन एंड फिफ्टी में ठीक है तो दैट विल बी इसका सॉल्यूशन ये ले लेते हैं अब हमें पता है कि एस एन एक लेवल के बारे ये लिख लेते हैं कि वन एंड फिफ्टी में अर्थमेटिक मीन करने हैं उसका जो सम है उनका वो हमें आंसर दे फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन तो हमें पता फार्मूला एस एन जब आपके पास एन ओवर टू फर्स्ट टर्म ये वन और ए वन और एंथ टर्म एन इनका सम अगर मैं इंसर्ट करूँगा वन और फिफ्टी के बीच में तो फोर फिफ्टी नाइन्थ साम आता है एन मुझे नहीं पता कितनी टर्म्स बनती हैं नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स है, है ना कि कितने इंसर्ट करेंगे फर्स्ट है वन और लास्ट है फिफ्टी तो ये आपका टू इन फोर फिफ्टी नाइन ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये आपका आ जाता है नाइन हंड्रेड एटीन और फिफ्टी वन एन हो जाता है तो एन इज़ इक्वल टू नाइन हंड्रेड एटीन ओवर ओवर फिफ्टी वन हो जाएगा ये तो ये आपका एटीन आ रहा है लेकिन अर्थमेटिक आर बिटवीन वन एंड फिफ्टी दीज आर टू टर्म्स, सो कितने टर्म्स uh, होने चाहिए सो नंबर ऑफ टर्म्स विल भी माइनस टू दैट विल बी एटीन माइनस टू योर आंसर यहाँ एक्सरसाइज डन हो गई है. तो so, होपफुली आपको समझ आई होगी अच्छी तरह से टाइम फिर हाजिर होंगे अल्लाह हाफिज़